नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं ललित निबंध कुटज। कुटज का सारांश हम पढ़ेंगे। ये ललित निबंध लिखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी का यह निबंध अत्यंत भावात्मक एवं चित्रमय शैली में प्रस्तुत किया गया है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज नामक पर्वतीय पौधे के बहाने मानव के जीवन के लिए आदर्श संदेशों की खोज की है। हिमालय के पार देश में स्थित शिवालिक की चोटियां हैं। शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला भाग हिमालय का अधोभाग होने के कारण ही संभवतः इसे शिवालिक कहा गया है। इसे सपाद लक्ष भी कहा जाता है, परंतु 1.25 लाख की माल गुजारी वाला इलाका तो वह लगता नहीं है। शिव की लट बनी हुई जटा की भांति इसकी भूमि सूखी हुई, नीरस और कठोर है। इस कठोर नीरस भूमि प्रदेश में भ्रमण करते हुए लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पुष्पित और पल्लवित अनेक ठिगनेस से वृक्ष दिखाई देते हैं, परंतु ये हैं अत्यंत मनोहर और शानदार। लेखक इन्हें बेहया या मस्त मोला कहता है, क्योंकि गर्मी की भयंकर मार खा कर भी, भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी ये वृक्ष जी रहे हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं, अलमस्त हैं। इनके पत्ते चौड़े हैं, बड़े हैं, फूलों से ये लदे हुए भरे हुए हैं। अजीब सी अदा इनकी सदैव मुस्कुराते से वे जान पड़ते हैं। लेखक को नाम याद आता नहीं। पहले तो वह सोचता है कि रूप मुख्य है या नाम। वह सोचता है कि नाम में क्या रखा है। नाम की जरूरत ही तो सुस्मिता, गिरिकांता, शुभ्र, किरीटिनी, मदोन्वता, पौरुष व्यंजक, गिरि गौरव, कुलोकलाल, अपराजित आदि अनेक नाम दिए जा सकते हैं, परंतु रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी हुई होती है। लेखक को अचानक याद आता है कि ये तो कुटज है। संस्कृत साहित्य का बहुपरिचित किंतु कवियों द्वारा अपमानित, निरादित वह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज। लेखक हजारी प्रसाद जी का विचार है कि नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्ध तो निसंदेह कुटज होगा। ये कुटज कुटज है। मनोहर कुसुम स्तबकों से चबराया उल्लास लोल चारुस्मित कुटज। कालिदास ने रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कुटज पुष्पों को ही अंजलि दिलाई थी। वास्तव में कालिदास जी जब रामगिरी पहुंचे तभी अपने हाथों में कुटज पुष्प का अर्घ देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। लेखक के मन में आया कि वह इन पुष्पों का अर्घ चढ़ा दे, परंतु कालिदास के काम आने वाला ये पुष्प अधिक आदर न पा सका। पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम बड़े ही दरियादिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, परंतु दुनिया ने रस चूस लेने के बाद उनको भी फेंक दिया, किंतु इससे रहीम का मोल नहीं घटा। दुनिया की बेरुखी और बेकद्रदानी ने मूर्छाई मनस्थिति में शायद कुटज के लिए लिख दिया था, वे रहीम अब बिरज कहे जिनकर छाए गंभीर, वे रहीम अब बिरज कहे जिनकर छाए गंभीर, बागन बीच बीचे देखिए सैकुड़ कुटज करीर। छाई बड़ी बात नहीं, फूल के लिए तो कुटज सम्माननीय है। मूड की बात है, कभी कभी कवियों का मूड भी खराब हो ही जाता है।
कुटज शब्द की व्युत्पत्ति हम इस प्रकार से करेंगे, कुटज अर्थात जो कूट से उत्पन्न होता है। कूट घड़े और घर दोनों को कहते हैं। घड़े से उत्पन्न कहे जाने वाले ऋषि अगस्त्य दासी पुत्री रहे होंगे। संस्कृत में कूटहारिका और कूटकारिका घर की दासी को कहा जाता था। कुटिया या कुटीर शब्द ही कदाचित इसी शब्द से संबंधित है। एक गलत ढंग की दासी को कुटनी भी कहा जाता है। घड़े से पैदा होने की कदापि कोई तुक नहीं है, न मुनि न कुटज अर्थात अगस्त्य के संबंध में और न फूल कुटज के संबंध में। हजारी प्रसाद जी कुटज की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उस पर्वत श्रृंखला पर कुटज के लहलाते पौधे को देखकर विचार आने लगता है कि ये नाम और रूप दोनों में ही अपराजेय जीवन शक्ति वाला पौधा है। संस्कृत की शब्द राशि से जमा हुआ कुटज शब्द हजारों से जीता चला आ रहा है। इसकी शोभा अत्यधिक मादक है। धधकती लू में भी यह हरा भरा रहता है। लगता है यह संसार को जीवन की जीने का रहस्य बता रहा है। पाषाणों की धारा में रुद यह भूमिगत अज्ञात जल स्रोत से जीवन शक्ति ग्रहण करता हुआ मानव को कठोर से कठोर परिस्थितियों में भी जीवन जीने का संदेश दे जाता है। जीना भी एक कला है, कला ही नहीं मानव एक तपस्या है। जियो तो प्राण डाल दो जिंदगी में, मन डाल दो जिंदगी के उन रस के उपकरणों में, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? याज्ञवल्क्य के अनुसार तो विश्व का प्रत्येक प्राणी अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है। दुनिया में त्याग प्रेम परमार्थ सब केवल प्रचंड स्वार्थ के ही अंग है, परंतु तब तो बड़े उद्देश्यों को लेकर बनाए जाने वाले दल, शत्रु मर्दन की बातें, देश के उद्धार का नारा, साहित्य और कला की महिमा सब कुछ झूठ है। द्विवेदी जी याज्ञवल्क्य के आत्मन शब्द का व्यापक अर्थ ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, वह व्यापक है। जब तक वह स्वयं को सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक वह सुख का आनंद भी नहीं मिलता है। कुटज हमें यह संदेश देता है कि कुटज स्वाभिमान के साथ जीने का संदेश सबको दे रहा है। जीवन जीवो तो स्वाभिमान पूर्वक जीवो, दूसरों के समक्ष दीन भाव चाटुकारिता खुशामद चापलूसी या अन्य तुच्छे उपायों से जीना कोई जीना नहीं है। इसका संदेश है चाहे सुख हो या दुख हो, प्रिय हो या अप्रिय हो, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर उल्लास के साथ ग्रहण करो, हार मत मानो। संसार में कोई न कोई किसी न किसी का उपकार कर रहा है, न अपकार, सब कुछ इतिहास विधाता की योजना के अनुसार ही हो रहा है। अतः मनुष्य यदि कर्ता होने का अभिमान करता है तो वह महान भूल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।